सुनवाई इस वक्त चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जमा डेटा को सौंपने के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही एसबीआई ने जो डेटा था वो चुनाव आयोग को सौंपा, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है फुल डिटेल चाहिए, किसके जरिए किस पार्टी को चंदा मिला है, और ऐसे में पूरी जानकारी अब साझा करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया है। एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जमा डेटा है वो सौंपने के निर्देश दे दिए हैं एसबीआई को, ताकि चुनाव आयोग फुल डिटेल के साथ पूरी जानकारी सार्वजनिक कर पाए, यानी किसके जरिए चुनावी बॉन्ड खरीदा गया और किस पार्टी को चंदा दिया गया, ये कंबाइंड जानकारी अब देनी होगी एसबीआई को। सीजीआई ने आदेश में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अर्जी दाखिल की है और अब जिस तरीके की जानकारी अभी सामने आई है, दो पार्ट्स में जानकारी सामने आई है, जो कंपनियां हैं जिनके जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं उनकी जानकारी है, कितना चंदा दिया गया उसकी जानकारी है, लेकिन एक अलग पार्ट में ये जानकारी दी गई है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। और एसबीआई ने अपने पक्ष को रखते हुए कोर्ट में यही कहा था कि चूंकि पहले कहा गया था कि जानकारी सार्वजनिक नहीं करनी है, गुप्त रखनी है, इसीलिए चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले का नाम, तारीख और किस पार्टी को वो चंदा दिया गया है, ये सभी जानकारी कोड हमने की है, जिसे डीकोड करने में वक्त लगेगा, और इसीलिए 30 जून तक का वक्त एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऑलरेडी आपको बहुत वक्त दे दिया गया है, पिछले 26 दिन आप क्या करते रहे, 12 मार्च तक जो तय डेट है तभी तक आपको जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। आशीष सिन्हा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। आशीष, अभी क्या हो रहा है कोर्ट में? देखिए, अभी तुरंत सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई, खत्म हुई है। सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग एसबीआई से ये पूछा कि हमने आपको डेटा शेयर करने के लिए बोला है, आपने जो डेटा शेयर किया उसमें दो अहम बातें आपने कही। पहला ये आपने कहा, आपने डेटा दिया है कि किस पार्टी को दिया, और दूसरा यह है कि किसने दिया, लेकिन वो नंबर नहीं है, यानी इलेक्ट्रोलर बॉन्ड्स के वो नंबर नहीं है, और हम नंबर चाहते हैं। क्योंकि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में पक्ष नहीं था, इसलिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा इस मामले में एसबीआई को नोटिस जारी किया जाना चाहिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया और सोमवार को भी सुनवाई जो है वो सूचीबद्ध कर दी। ठीक है आशीष, नजर बनाए रखिएगा, अभी तक आप